हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आइडियल एजुकेशन पॉइंट। एंड आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, दैट इज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये रिलेटेड है मॉलिक्यूलर बायो से। ठीक है, मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग को समझने के लिए हमको मॉल बायो के बेसिक टॉपिक समझने इम्पॉर्टेंट हैं। तो हमने ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बायो का 11th क्लास वाले वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था। ठीक है, एंड अब देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस in which we studied about creation of changes in DNA. okay, so creation of changes in DNA. अब देखो, अगर DNA में कोई भी modification artificially किया जाता है, ठीक है, तो वो change express होता है। ठीक है, तो कुछ इसमें ऐसे experiments किए गए genetic engineering में। सबसे पहली चीज़ तो ये कि एक DNA को किसी के अंदर से हमें आइसोलेट करना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से DNA को आइसोलेट करना मस्ट है, क्योंकि जब तक आइसोलेशन नहीं होगा तब तक हम उसमें चेंजेस कैसे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप तो था जेनेटिक इंजीनियरिंग का, आइसोलेशन ऑफ DNA। ठीक है, तो देखते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल है उससे DNA कैसे आइसोलेट किया जा सकता है। ठीक है, तो सपोज एक द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ DNA। एक बैक्टीरिया है, ठीक है, बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया के अंदर ये एक सर्कुलर DNA है और ये एक प्लाज्मिड DNA है। इसके अलावा इसके साथ में बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, कुछ छोटे मोटे RNA के फ्रेगमेंट्स हैं। ठीक है, बैक्टीरिया एक ही नहीं होता है। एक्चुअली जब हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, एक बैक्टीरिया को आइसोलेट कर पाना तो बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। ओके, मतलब एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, हमने ग्रुप मतलब कि सेम टाइप के, सेम स्पीशीज़ के बैक्टीरियाज़ को हमने लिया। ठीक है, और बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है उसको डिग्रेड किया सबसे पहले। तो मतलब कि सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है, होमोजिनेशन। होमोजिनेशन मतलब सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो एक पेट्री डिश है, ठीक है, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, तो उसमें एक ग्लास रॉड से उसको छोटे छोटे पीसेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो बैक्टीरिया का होमो, उस प्रोसेस को बोलते हैं होमोजिनेट बनाना। ठीक है, तो होमोजिनेट बनाया मतलब कि एक ये पैट्री डिश है, इसके अंदर ये एक पैट्री डिश है, ठीक है, ग्लास की, कांच की, तो यहाँ पे बैक्टीरिया है। ठीक है, इसको एक रॉड से छोटे छोटे उसमें पार्ट्स में कन्वर्ट किया, मतलब कि उसकी एक तरीके से चटनी बना दी। ठीक है, बैक्टीरिया की। देन नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, सब कुछ मिक्स हो गया, मतलब कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल थी वो डिग्रेड हो गई। बात समझ में आई? देन नेक्स्ट स्टेप कि अब हमसे ये वाला DNA, ये वाला DNA, ये सब कुछ मिक्स है उस सॉल्यूशन के अंदर, तो हम इसको आइसोलेट कैसे करेंगे इस DNA को। ठीक है, तो इस DNA को आइसोलेट करने के लिए एक टेक्निक होती है, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो सबसे पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम वही टेक्निक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।
जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, देखो क्या होता है, एक एग्रोस एक सब्सटेंस होता है, ठीक है, मतलब कि वाइट कलर का एक पाउडरी सब्सटेंस जिसको बोलते हैं एग्रोस, ठीक है, उसका नाम है। ओके, तो हमने दिस इज नोन एज कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है, और ये जो एग्रोस है ये एक वाइट कलर का पाउडरी सब्सटेंस है, ठीक है, इसको हमने इसके अंदर ऐड किया, ठीक है, प्लस हमने इसके साथ में क्या डाला, डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर ऐड किया, ठीक है, इसके बाद इसको ग्लास रॉड से स्टेयर किया, मतलब कि उसको घोल दिया अच्छे से, देन इसके बाद इसको हमने दिया हीट, इसको हमने गरम किया, ठीक है ना, इसको कितनी देर तक गरम करना है, मतलब जब हमने इसके अंदर H2O मिलाया था तो ये एक मिल्की सब्सटेंस हो गया, मतलब कि दूध जैसे कलर का, थोड़ा सा वाइटिस वाइटिस, या फिर जो चावल धोते हैं ना, मतलब राइस वाटर जो निकलता है चावल धोने के बाद जो पानी निकलता है उसका कलर जैसा होता है, कुछ उस तरह का कलर होता है एग्रोस का पानी में घुलने के बाद, ठीक है, तो हम इसको गर्म करेंगे, कब तक गर्म करेंगे, जब तक ये ट्रांसपेरेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाए, मतलब कि बिल्कुल पानी जैसा दिखने लगेगा, ठीक है, आफ्टर बॉइलिंग दिस सॉल्यूशन बिकम ट्रांसपेरेंट, जैसा कि पानी होता है, ठीक है, अब इसको हमको इस कॉनिकल फ्लास्क को उठा के नीचे रख लेना है, इसके बाद हमको इसको एक ऐसे प्लेट होती है, ये प्लेट एक्चुअली कैसे होती है, मतलब कि इस तरीके की, ठीक है, थोड़ी सी गहरी सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, जिसमें इतना सॉल्यूशन आ जाए, लगभग इतनी लेंथ होती है उसकी, इतनी लेंथ होती है उस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट की, ठीक है, और इतनी विड्थ होती है, मतलब एक छोटी सी प्लेट होती है उसको बोलते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन को, ये प्लास्टिक की होती है, ठीक है, इसके अंदर हमने इसको पोर कर दिया, ठीक है, मतलब जब ये गर्म था और डाइल्यूटेड, मतलब लिक्विड फॉर्म में था, तब हमने इसको इसके अंदर डाल दिया, ओके, एक स्ट्रक्चर होता है प्लास्टिक का जिसको बोलते हैं कॉम्ब, कुछ ऐसा, ठीक है, इसको हमने यूं उठाया और इसके ऊपर हमने ऐसे पोर कर दिया, ठीक है, मतलब कि फॉर एग्जांपल ये एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट है और ये एक कॉम्ब है, ठीक है, तो हम इसको इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट को ऐसे इसके ऊपर, मतलब इसको उठा के इसके ऊपर ऐसे रख देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये वाले जो, मतलब ये नुकीला वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा उठा हुआ सा, ये इसके लिक्विड के अंदर जाके डिप हो जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर बाद, मतलब आफ्टर 5 or 6 minutes बाद हम देखेंगे कि ये एक जेल वाले फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, द लिक्विड कन्वर्टेड इंटू लिक्विड कन्वर्टेड इंटू जेल, ठीक है, लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, जेल, अभी ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड इस तरीके से इसके अंदर भरा हुआ है जो कि अब किस में कन्वर्ट हो गया है, जेल में, ठीक है, और इसके ऊपर जो हमने इसको रखा था अब हम उसको क्या करेंगे, उठा लेंगे, ठीक है, तो जब हम उसको उठाएंगे तो हम क्या देखेंगे, यहाँ पे इस तरीके से इसमें छोटे छोटे से ऐसे पोर्स हो गए हैं, बात समझ में आई, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम
जेल के वेल जो होते हैं, ठीक है, मतलब कि होल है एक छोटा सा, वेल ऑफ जेल बोलते हैं इसको, वेल मतलब कुआं, ठीक है। तो ये वेल है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो डीएनए है, डीएनए मतलब कि वो बैक्टीरिया जिसका हमने होमोजिनेट बनाया था इसमें, ठीक है, उस होमोजिनेट को हमने भरा एक ऐसे इसके अंदर, मतलब कि एक बीकर के अंदर, ठीक है। बीकर के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, ओके, सब कुछ है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो सबसे पहला एक जो तरीका है इसको सेंट्रीफ्यूज, एक मशीन होती है सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में, इस मतलब इस टेस्ट ट्यूब को उठा के एक सेंट्रीफ्यूज मशीन में हम उसको डाल देंगे और वो बहुत ही सेंट्रीफ्यूजेशन फोर्स के साथ राउंड राउंड घूमती है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट ट्यूब है वो भी उसके साथ साथ ऐसे घूमेगी, तो जो पार्टिकल्स होते हैं, एक्चुअली जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर, मतलब जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर आ जाते हैं, ठीक है, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके जम जाते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े पार्टिकल्स को तो ऐसे ही ऊपर निकाल लेंगे सेंट्रीफ्यूजेशन टेक्निक से, ठीक है। अभी इसमें क्या बचेगा, छोटा छोटा डीएनए और आरएनए, ठीक है, कुछ एक प्रोटीन, ठीक है। तो एक डाई होती है जिसका नाम है ईटीबीआर, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर डाई होती है, ठीक है, मतलब कि कलर प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले तो इसको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो हमारे पास सैंपल आया जिसमें डीएनए अलग अलग टाइप के और कुछ प्रोटीन और कुछ आरएनए मिक्स हैं, हमको उन सबको सेपरेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है, मतलब कि एक माइक्रोपिपेट आती है, माइक्रोपिपेट में उस सॉल्यूशन को ऐसे भरेंगे, ठीक है, जैसे ड्रॉपर होता है ना, ड्रॉपर टाइप एक माइक्रोपिपेट होती है, माइक्रोपिपेट में को हमने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर पोर किया और उससे उसके अंदर सैंपल फिल किया, देन उसको हम इसके अंदर आराम से ऐसे लेके जाएंगे और उस सैंपल को इसके अंदर हम छोड़ देंगे, ठीक है। एक वेल छोड़ के हम इसमें सैंपल लोड करेंगे, मतलब एक हमने इसमें किया, एक हमने इसमें कर दिया, ठीक है, इट्स फॉर लाइक एक में भी करेंगे तो भी चलेगा, हमारे पास एक ही टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर उसको पोर कर दिया सैंपल, ठीक है, प्लस इसके साथ में हम क्या ऐड करेंगे, ईटीबीआर, इथिडियम ब्रोमाइड ऐसी डाई है जो हमने इसके अंदर पोर कर दिया। अब इसका फंक्शन क्या है ईटीबीआर का, एक्चुअली ईटीबीआर जो है वो सिर्फ और सिर्फ डीएनए के साथ बाइंड करती है, मतलब कि डीएनए को ही कलर प्रोवाइड करती है, बाकी और किसी के साथ भी अटैच नहीं होती है, ठीक है, ऑरेंज कलर की डाई होती है ईटीबीआर। तो इथिडियम ब्रोमाइड जो है वो डीएनए के साथ में बाइंड होगी, मतलब डीएनए कलर हो गया, ठीक है। अब देखो इधर इधर की साइड लगा हुआ होता है एक पॉजिटिव, इसमें इलेक्ट्रोड लगे हुए होते हैं, इधर की साइड लगा हुआ होता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऊपर की साइड, और नीचे की साइड लगा हुआ होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। इसको हम अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, ऊपर तो लगा रहे हैं नेगेटिव, नीचे लगा रहे हैं पॉजिटिव, बात समझ में आई। अब देखो क्या होगा, जो डीएनए जितना भारी है, ठीक है, मतलब डीएनए का साइज जिसका सबसे छोटा होगा वो धीरे धीरे इसमें क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। क्यों मूव करेगा, क्योंकि डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, ओके, एक चीज तो डीएनए के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, तो डीएनए जो है इधर से इधर की तरफ, मतलब जब हम इसको रख देंगे इलेक्ट्रोड लगा के, तो डीएनए का सैंपल जो है वो धीरे धीरे मूव करेगा। तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, जिसका वेट सबसे लाइट होगा, मतलब कम वेट वाला जो मॉलिक्यूल होगा वो थोड़ा ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा और उसका बैंड यहाँ पे अपीयर होगा ऐसे, और जो थोड़ा ज़्यादा बड़ा डीएनए होगा उसका बैंड हमको यहाँ पे अपीयर होगा, बात समझ में आई इस तरीके से। अब मतलब कि अगर हमको दो तरीके के ऑरेंज कलर के बैंड्स दिख रहे हैं, बाकी के मॉलिक्यूल्स भी सेपरेट हुए होंगे नो डाउट, प्रोटीन एंड आरएनए, लेकिन हमको क्या आइसोलेट करना था, डीएनए, तो हमने डीएनए को कलर प्रोवाइड किया था, ईटीबीआर डाला था, तो हमको दो ऑरेंज कलर के बैंड ऑब्जर्व होंगे, बात समझ में आई। ये वाला जो डीएनए होगा वो बैक्टीरिया का मेन डीएनए होगा। हम कैसे आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि प्लाज्मिड डीएनए जो होता है उसका साइज छोटा होता है एज कंपेयर टू मेन क्रोमोसोम और मेन डीएनए ऑफ बैक्टीरिया, बात समझ में आई। देखो जिसका वेट जितना कम होगा वो उतनी ज़्यादा दूरी ट्रैवल कर सकता है। सिंपल सा एग्जांपल है,
एक छोटा पत्थर लो और उसको फेंको, ठीक है, ज़्यादा दूर तक जाएगा, ऑब्वियस है। एक इतना बड़ा पत्थर लो और उसको उठा के फेंको, कौन सा ज़्यादा दूर ट्रैवल करेगा? जो छोटा होगा, ऑब्वियसली, है ना। तो जो जितना भारी होगा वो उतनी कम दूरी ट्रैवल करेगा, जो उससे लाइट होगा वो उससे ज़्यादा, जो उससे लाइट होगा वो उससे ज़्यादा। तो एक बैक्टीरिया के अंदर कितने क्रोमोसोम थे? दो क्रोमोसोम थे, एक तो मेन डीएनए और दूसरा प्लाज्मिड डीएनए। तो ये वाला बैंड जो है, हम आइडिया लगा सकते हैं कि ये कौन सा डीएनए है, प्लाज्मिड डीएनए, और ये वाला जो डीएनए है वो क्या है, मेन डीएनए। और इसके बाद हम इसको एक नाइफ की हेल्प से इसको कट करके और हम टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया डीएनए आइसोलेट होके। इसमें एक डीएनए नहीं है, दिस इज नॉट अ सिंगल डीएनए, ठीक है। एक बैंड को अपीयर होने के लिए मोर देन 10 करोड़ मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ये बैंड तुमको कब दिखाई देगा? जब इसमें 10 करोड़ डीएनए होंगे। तो वो जो बैक्टीरिया हमने उसके अंदर लिए थे वो कितने बैक्टीरिया थे? मोर देन 10 करोड़ बैक्टीरिया, क्योंकि एक बैक्टीरिया कितना होता है, ये ज़्यादा बड़ा डॉट हो गया, ठीक है, जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हमने लिया, मिलियंस ऑफ बैक्टीरियाज, उनका होमोजिनेट बनाया, होमोजिनेट बना के सेंट्रीफ्यूज किया, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो लार्ज पार्टिकल्स थे उन सबको आइसोलेट कर दिया। देन हमारे पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बचेंगे डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन के, उसके बाद हम उसको करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बायो मॉलिक्यूल्स उनके साइज, वेट, मास और चार्ज के अकॉर्डिंग सेपरेट होते हैं। ये बात समझ में आ गई? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्लियर हुई? आगे देखते हैं, अब एग्जैक्ट डेफिनेशन देख लेते हैं। What is gel electrophoresis? It is the technique in which biomolecules are separated on the basis of their charge mass and molecular weight. ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स मतलब कि डीएनए आरएनए एंड प्रोटीन, ठीक है, वो सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर चार्ज मास एंड मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। अब देखो, यह है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, जो ग्लास अपरेटस होते हैं आपको उनको पहचानना आना चाहिए, ओके, दिस इज व्हाट टेस्ट ट्यूब, ये इसको बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। ये होती है ऐसे गोल गोल सी, इसको बोलते हैं पेट्री डिश, ठीक है, एंड एक
ये है ग्लास स्लाइड, कांच की, ठीक है, पतली सी एक प्लेट टाइप होती है, छोटी सी, इतनी ही, जितनी मैंने, ये तो मैंने ज़्यादा बड़ी बना दी है, ठीक है, छोटी होती है इससे। इसके ऊपर रखने का एक बहुत ही पतला सा कांच का होता है, इसको बोलते हैं कवर स्लिप, ठीक है। तो ये कुछ ग्लास अपरेटस हैं जो कि एक्सपेरिमेंट में यूज़ होते हैं, ठीक है। नाउ हमने एक टेस्ट ट्यूब में ये प्रोटीन है कुछ, ठीक है, प्रोटीन को जो डाई मतलब कलर करती है वो है साइबर ब्लू, ठीक है, एक डाई का नाम है साइबर ब्लू, ठीक है, ये प्रोटीन डाई का नाम है, ओके। सो इसके अंदर हमने डाई डाला तो वो कलर हो जाएंगे प्रोटीन। अभी इसमें इसका वेट है 10 किलो डाल्टन, मतलब ये प्रोटीन मतलब बायो मॉलिक्यूल्स को मेज़र करने की यूनिट है किलो डाल्टन, ठीक है। इसका है 10.9, इसका है 20, इसका है 50, इसका है 100, ठीक है, मतलब कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूलर वेट वाले प्रोटीन्स हैं, ठीक है। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस प्लेट, ठीक है, ये इसके ऊपर बने हुए वेल्स, हमने इसके अंदर ये सैंपल पोर किया, ओके। जब हमने इसके अंदर ये सैंपल पोर किया तो हमको सबसे पहले कौन सा बैंड ऑब्जर्व होगा, ठीक है, तो हमको देखना है, हमने बात की थी कि जो सबसे लाइट वेटेड होता है वो सबसे ज़्यादा दूरी तय करता है, ठीक है, मतलब कि ऑब्वियसली जिसका वेट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा नहीं भाग पाएगा, ठीक है, जिसका वेट कम होगा वो बहुत ज़्यादा दूर, मतलब वो रेस लगा सकता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेट कम किसका है, जो 10 किलो डाल्टन है, राइट। तो सबसे लास्ट में जो बैंड, मतलब हमको एक इस तरीके का बैंडिंग पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, इस तरीके से हमको इस तरीके का एक बैंडिंग पैटर्न ऑब्जर्व हुआ, एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, एक बैंड ये है, एक ये है, एक ये है। क्या हम आइडिया लगा सकते हैं इसमें कौन सा वाला प्रोटीन कहाँ पे है? ये वाला जो प्रोटीन होगा वो क्या होगा, 10